डाउट है क्या? कुछ यस सर, कुछ में है। यस क्वेश्चन में डाउट है? सर। ठीक है, सॉल्यूशन भी था, सॉल्यूशन नहीं समझ में आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं डिस्कस कर दूंगा। पहले अपन पढ़ ले, एक काम करें, अपन कोशिश करेंगे कि यस सर। 10 बजे तक पढ़ेंगे, एंड देन 20 to 25 मिनट, अराउंड 30 मिनट के अराउंड हम लोग डॉट डिस्कशन करेंगे, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। ठीक है? यस सर। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। पिछले क्लास में जो पढ़ाया था, उसमें जो कोई डाउट है किसी को, और भी कुछ बाकी चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ गई थी पिछले क्लास वाली? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मोशन इनटू मोशन इनटू देयर इज नो स्लाइड वेट। हाँ, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। चलो, क्या ये शो हो रहा है सबको? इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर। चलो, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया ना? यस सर। चलो ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोग ग्राउंड म्यूट कर लो सब लोग अपने आप को। हाँ, तो लास्ट क्लास अपन ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ लिया था, यस और नो? कुछ कंसेप्ट भी डिस्कस किए थे, कोई दिक्कत वाली बात? अपन ने ये देखा था कुछ चीजें जो अपन ने देखी थी ग्राउंड टू ग्राउंड में। ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या बात की थी अपन ने? यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं अपन है। ने ये देखा था कि अगर कोई पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका जाता है, तो कुछ कंसेप्ट अपन ने डिस्कस भी किया था, यस और नो? अगर यस यूनिट सर। स्पीड से फेंक रहे थे, थीटा एंगल पे फेंक रहे थे, तो पार्टिकल कुछ इस तरह से जा रहा था, और इस पाथ का इक्वेशन भी देखा था हमने, यस और नो? हम लोग जब यस भी सर। मोशन को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं और इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, यस और नो? कोई दिक्कत यस वाली सर। बात नहीं है। ठीक, इस तरह से वाई और एक्स मानने से फायदा ये था, इस तरह से वाई और एक्स मानने से फायदा ये था कि जो एक डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही थी एक्स डायरेक्शन में, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी पूरे मोशन में। बोलो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, क्या वो फॉर्मूला याद है? होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। नहीं आता तो आपको सब कुछ पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, अगर बेसिक वन डायमेंशन, 2y/g, बोलो, मैक्सिमम हाइट था यू स्क्वायर स्क्वायर यू बाय टू वाई जी। बाई 2g, रेंज का फॉर्मूला था 2ux u y/g। बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, दूसरा नो चीज सर। मैंने एक चीज बताया था कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में इस लाइन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्री होगा। मतलब क्या है कि ये लाइन हमेशा r/2 पे आने वाला है, सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड पे बात करो, बाकी के लिए ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है? नहीं है। सबको समझ में आ गया? ठीक है यस सर। ठीक है, यहाँ पे जितना वेलोसिटी आएगा, तो किसी भी टाइम टी पे देखो, दो जब ये पार्टिकल को फेंकोगे थीटा से, तो पार्टिकल किसी टाइम टी पे ये वेलोसिटी बनाएगा, यस और नो? कोई दिक्कत? हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा बनाएगा, और क्या ये एंगल घटता जा रहा है? देखो, और जो एंगल घटता जा यस रहा है, सर। देखो, और सेम हाइट पे दो पॉइंट मिलेगा, H1 मिलेगा यहाँ पे और एक मिलेगा H1, यस और नो? इस सेम रीजन पे वेलोसिटी सेम होगा, ये बता चुका हूँ, स्पीड यस सेम सर। होगा, वेलोसिटी नहीं, स्पीड सेम होगा, ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी एंगल अल्फा होगा, अगर इस डायरेक्शन में वी वाई है तो इस डायरेक्शन में भी वी वीवाई वाई होगा, वीवाई। बट नीचे डायरेक्शन में, और इधर वी एक्स था। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो नहीं है। सर। उसके बाद हाँ इसके सर। हमने क्या देखा था? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखा था। क्या था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री?
एक्स टैन थीटा इंपॉर्टेंट है ये, माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू यू स्क्वायर वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, बताओ सर sec स्क्वायर थीटा वन प्लस sec स्क्वायर थीटा, वन प्लस sec स्क्वायर थीटा पक्का? यस सर। गलत है क्या सर? टैन थीटा आएगा अगर वैसे लिखेंगे तो सिर्फ। तो सही लिखा गलत लिखा? ये y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा था तो इसको वन प्लस sec टैन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ये समझ में आ गया? ये इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। नो सर। ठीक। अच्छा इसको ना अगर ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करूं, ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना, ये जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, एक इसका एक और फॉर्मेट आता और जो सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए अप्लीकेबल है, हर किसी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, फॉर ओनली एप्लीकेबल इन जी टू जी प्रोजेक्शन। वो क्या सर, क्या फॉर्मेट है? ध्यान से देखो, अगर जी टू जी प्रोजेक्शन हमने किया है तो देखो, क्या मैं इसको एक्स टैन थीटा को कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा? वन माइनस एक्स बाई आर। इसको फॉर्मेट को अरेंज कर सकते हो क्या, चेक कर सकते हो क्या ये फॉर्मेट को कैसे आया सर? चलो देख लेते, सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लूं, मैं ऐसा लिख देता हूं y is equal to x tan theta, बेसिक फॉर्मेट लिख देता हूं, माइनस g x square divided by 2 u square cos square theta। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अब मान लो यहां से अगर मैं x tan theta को कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ? यहां पे यहां वन बनेगा माइनस, अच्छा g x कॉमन आ गया तो x आ गया बाहर एक, डिवाइडेड बाय 2 u square cos square theta, तो ऐसा बन गया डिवाइडेड बाय tan theta आएगा क्या? यहाँ पे tan theta आ जाएगा, बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? देखो इसको मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा, गलत है सही है? सर डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा tan theta, डिवाइड सर डिवाइड में। यस सर। बोलो। हाँ सर। इसको मल्टीप्लाई करने से पूरा पूरी वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अरे यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। सर एक बार बताओ दो लास्ट वाला। नहीं आया समझ में। अच्छा चलो इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं हम। एक ऐसा, अच्छा पहली बात एक चीज समझो, पहला चीज एक चीज, ये फॉर्मूला ऊपर वाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ये y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 u स्क्वायर इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? यस सर। नो है ना, एक चीज ध्यान रखना, दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये कोई भी प्रोजेक्टाइल जो ग्राउंड पे हो रहा है, कहां हो रहा है? अर्थ के सरफेस पे, फॉर अ लिमिटेड व्यू, जहां पे जी कांस्टेंट है तभी प्रोजेक्टाइल हो सकेगा। यस और नो? तो अंडर कंडक्शन में कोई भी पार्टिकल को फेंकेंगे तभी तो प्रोजेक्टाइल हो सकता है, अदरवाइज प्रोजेक्टाइल नहीं हो पाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हर तरह के प्रोजेक्शन के लिए, हर तरह का प्रोजेक्शन, मतलब चाहे आप बिल्डिंग से फेंको, चाहे आप ग्राउंड से फेंको, चाहे आप पहाड़ से फेंको, चाहे आप इंक्लाइन से फेंको, अगर आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जैसे समझाया वैसे अगर आपने लिया है तो दिस फॉर्मेट इज एप्लीकेबल इन एवरीवेयर। क्लियर? क्लियर? इसको तो ऐसे लिख दोगे तो कोई गलती नहीं है, इसको डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसको इको तो फॉर्मेट करके मैंने ऐसा लिख दिया। yes, ठीक है, बोलो आगे बढ़ेगा? यस सर। यस सर। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ेगा? यस सर। यस सर। अब एक स्पेशल फॉर्मेट पढ़ेंगे जो सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए
एप्लीकेबल होगा, जी टू जी, ठीक है, जी टू जी फॉर्मेट फॉर प्रोजेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड पे गिरा, ध्यान से सुनना, इधर बना दे रहा हूं इसको, मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ग्राउंड पे फेंका और ग्राउंड पे गिरा है तो ही ये फॉर्मेट एप्लीकेबल होगा और कहीं नहीं एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यू से फेंकोगे, थीटा एंगल पे फेंकोगे, तो ये ऐसा कुछ जाएगा, तो इसका जो रेंज का फॉर्मूला है सब कुछ हमने पढ़ा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सब कुछ पढ़ा है, रेंज क्या है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, क्लियर है जी? यस सुनो, हमने रेंज और थीटा का रिलेशन देखा था, क्या याद है क्या? अगर थीटा जीरो से पाई बाई 45 तक बढ़ता है तो रेंज बढ़ता घटता है? बढ़ता है, घटता है, मैक्सिमम रेंज कितने पे आता है? 45 सर, ठीक है, सबको समझ में आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बोलो क्या फॉर्मूला था, यू टू यू साइन थीटा बाय जी, थीटा बढ़ाने से टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ेगा, यू को फिक्स रखा हमने, ये सारा ऑब्जर्वेशन कब कर रहे हैं, जब हमने यू को फिक्स रखा, यस और नो? और मैक्सिमम हाइट क्या लिया हमने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो रेंज एंगल बढ़ाने से फॉर अ फिक्स्ड व्यू इफ यू इंक्रीज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देन व्हाट, मैक्सिमम हाइट आल्सो इंक्रीज, बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर, नहीं सर, समझ में आ गया? यस सर, यस सर, आगे बढ़े? यस सर, ठीक है, यस सर, यस सर, चलो चलो, अब अगर यहाँ पे मैं स्पेशल फॉर्मेट की बात करूं तो एक इसी से स्टार्ट करता हूँ, y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये फॉर्मेट तो वैलिड है क्योंकि x एक्सिस हमने कैसा लिया, ऐसा, और y एक्सिस कैसा लिया, ऐसा, अरे हाँ है ना, तो x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्लियर? यस सर, हाँ सर, ठीक है, अब यहाँ से x tan थीटा को कॉमन निकालो, जैसे इसको कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1, Yes. और यहाँ जी एक्स तो एक निकल गया, देखो यहाँ से एक्स निकला डिवाइडेड बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा, बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नो सर, नो सर, नो सर, tan थीटा को क्या हम यहाँ पे लिख दे sin थीटा बाय cos थीटा? यस सर, क्या एक cos थीटा ने एक cos थीटा को मार दिया? यस सर, अगर ध्यान से देखोगे x tan थीटा इनटू 1 माइनस एक्स जी को नीचे ले जाए, क्या क्या बन जाएगा, देखो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, ऐसा बन गया क्या? यस सर, तो ये है क्या? यस सर, रेंज, रेंज, यानी कि अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं तो ग्राउंड टू ग्राउंड में ये फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, क्या ये लिख सकते हैं? बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड, और ऐसा, अच्छा हर कोऑर्डिनेट के लिए नहीं बात हो रही है, कैसा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ले रहे कि एक्स के अलोंग एक्सलेशन जीरो है, वाई के अलोंग एक्सलेशन है, यस और नो? एक्स के अलोंग एक्सलेशन जीरो है, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? बट ये जो फॉर्मेट है ये किसके लिए ओनली एप्लीकेबल फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड, और कहीं अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं होगा, ठीक है? अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, जैसे मान लो इक्वेशन ऑफ इफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सर, x बाय r, x बाय 2r होगा ना, x बाय r होगा, x बाय 2r होगा, बोलो r ही होगा सर, सर r ही होगा, रेंज में ऐसे 2 2 देखो, cos थीटा, cos थीटा 2 यहां अंदर चला गया ना, sin 2 थीटा में देखो, ठीक से ओके, cos थीटा कट गया ना, इसको हटा दूं क्या मैं? बोलो बोलो बोलो, तो यहाँ ओके सर, समझ में आया? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा को मार दिया तो साइन टू थीटा बन गया, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? यस सर, क्लियर। जैसे एक सवाल में ले रहा हूँ, इफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाई इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है और कुछ नहीं बोला, तो आप क्या मानोगे? ग्राउंड से फेंका जा रहा है, ग्राउंड पे गिर रहा है, यस सर, यही मानोगे? yes, तो फटाफट इसका आंसर निकल जाएगा, बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, रूट थ्री एक्स इंटू वन माइनस
कुछ भी निकालना हो, सपोज हमको रेंज निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, कुछ भी निकालना है, पहला तरीका क्या होगा? क्या हम बेसिक फॉर्मेट से कंपेयर कर देंगे? यस सर, मेरी बात समझो, क्या हम बेसिक फॉर्मेट से यू थीटा सब निकाल सके? दूसरा है कि हम इसको ऐसा लिख दे इस फॉर्मेट में, 1 - 4x/√3, क्या ये बन जाएगा? यस सर, बोलो। यस सर। और थोड़ा इसको सिंपल, और थोड़ा इसको सिंपलीफाई करोगे तो 4 को नीचे ले जाओ, क्या इस फॉर्मेट में आ गया? क्या तो यहाँ से इस फॉर्मेट से अगर कंपेयर करोगे तो tan थीटा कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा, और रेंज कितना आ जाएगा? √3/4। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, बिना कुछ किए क्या मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं? कैसे? क्योंकि अगर ये ग्राउंड टू ग्राउंड है तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे आएगा? अगर इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूँ तो r/2 पे आने वाला है ना? वाई का कोऑर्डिनेट जो r/2 पे होगा, यानी √3/8, x = √3/8 पे जो वाई होगा, क्या वही मैक्सिमम हाइट होगा? यस सर। यहाँ पे क्योंकि सिमेट्री अगर ग्राउंड टू ग्राउंड है, कुछ नहीं बोल रहा, तो हम हमेशा ग्राउंड टू ग्राउंड मानेंगे। यस सर, बाकी तो हमको बेसिक तरीका भी आता और ये तरीका भी आना चाहिए, बट ये जो फॉर्मेट है कहां लगेगा? ओनली ग्राउंड टू ग्राउंड, ओनली ग्राउंड टू ग्राउंड, क्योंकि यहां पे जो रेंज का फॉर्मेट यूज किया है वो तभी यूज हो सकता है जब आप क्या ले रहे हो, जब आप ग्राउंड से ग्राउंड ले रही हो। ग्राउंड से ग्राउंड। अरे हाँ, या ना बोल लो। यस सर। यस सर। यस सर। बोल तो रहे हैं। बोलते रहो, मैं भी बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं है, ठीक है, बेसिक बेसिक बातें चली, ठीक है। और कुछ बातें सर? और कुछ बातें करो। चलो अब दूसरा फॉर्मेट हम देखते हैं। अगर मैंने किसी बिल्डिंग से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका, ठीक, मान लो इस बिल्डिंग से जिसका हाइट h है, ठीक, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है यहां से, ध्यान से सुनना, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो कैसा जाएगा ये? क्या ये ऐसा जाकर के ऐसा गिरेगा? यस सर। यस सर। आपसे दो चीज पूछा, फाइंड, पहला चीज मैक्सिमम हाइट, हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। दूसरा सवाल है टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा सवाल है रेंज। रेंज क्या होगा यहां से, यहां बताओ, रेंज किसको बोलेंगे हम? क्या यहां से लेकर एंड तक, ये एंड तक, इसको रेंज बोलेंगे? यस। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो? यहां से लेकर के यहां पहुंचने में कितना टाइम लिया? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम हाइट किसको बोलेंगे? क्या ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट होगा जब ये मैक्सिमम होगा? यस। यहाँ पे जब होगा पार्टिकल तो ये प्लस एच, क्या ये मैक्सिमम हाइट होगा ग्राउंड से? यस एच प्लस एच, ये तीनों बता दो हमको, इक्वेशन लिख दो फटाफट, इक्वेशन लिखो आप। म्यूट कर लो, फटाफट इक्वेशन लिखो, 2-3 मिनट दे रहा हूं। ओरिजिन किसको लेंगे पहले ये बता दो, फॉर्मेट में बता दे रहा हूं, ओरिजिन किसको लेंगे? जहां से फेंका वहां ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, फटाफट। इसमें एक और सवाल पूछ रहे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सर ये भी ग्राउंड से ग्राउंड कंसीडर होगा क्या? ये ग्राउंड से ग्राउंड है,
सर बिल्डिंग से ग्राउंड नो सर यहां बिल्डिंग क्या वो फार्मूला सब यूज कर सकते हैं क्या नो सर नहीं सर तो कैसे करेंगे बेसिक से करने का तरीका बता चुका हूं क्या तरीका होता है किसी प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन को करने का कैसे हमने निकाला बाकी सब डेटा क्या सर इतना सिंपलीफाइड नहीं आएगा लेकिन टाइम वाला हां नहीं इक्वेशन आएगा ना यस सर लंबा चौड़ा आएगा हां लिखो ना लिखो लंबा चौड़ा मतलब जो भी इक्वेशन है कैसे करेंगे ये बताओ व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन h max तो बहुत आराम से निकल जाएगा u स्क्वायर बाय 2g और प्लस h कर देंगे तो उसमें u स्क्वायर बाय 2g सर मतलब uy स्क्वायर बाय 2g चलो देखते हैं तो सर बिल्डिंग के हाइट ट्राई कर लिया चलो देखते हैं देखते देखते चलो क्या सबने ट्राई कर लिया यस सर कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन को करने का तरीका हमने क्या बताया क्या सीखा कि हम तोड़ेंगे कंपोनेंट के अलोंग यस और नो यस सर इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है u cos थीटा इस क्वेश्चन में cos थीटा इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना u sin थीटा u sin थीटा और एक्सेलरेशन है नीचे डायरेक्शन में यस और नो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नहीं है व्हाट जब ये पार्टिकल दो तरीके से जा रहा है ये पार्टिकल वर्टिकल में भी चल रहा है और हॉरिजॉन्टल में भी चल रहा है यस और नो तो अगर मैं एक्स एक्सिस का मोशन देखूं तो एक्स एक्सिस में क्या है क्या ux है u cos थीटा और एक्सेलरेशन वर्टिकल है तो x में कितना एक्सेलरेशन है जीरो जीरो इसका मतलब x में वेलोसिटी चेंज होने वाला नहीं है नहीं है एक यानी कि जो पार्टिकल ये पार्टिकल जब ऐसे चल रहा होगा तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी यहां पे रहने वाला है वो सब जगह सेम रहेगा बोलो इसमें कोई दिक्कत है नो सर नो सर नो सर और वो u cos थीटा तो मिनिमम स्पीड क्या होगा ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन सर u cos थीटा सबसे कम वेलोसिटी यहां पे आएगा यस सर और वो कितना होगा u cos थीटा बता चुका हूं मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल बात कर चुका हूं और इस पे एक जनरल सवाल भी कर चुके हैं यस सर याद है सबको याद है यस सर इंपॉर्टेंट सवाल है ठीक अब इधर आ जाओ अब सवाल है सर हमको दो चीज निकालना है एक तो हमको निकालना है सर क्या क्या सवाल है मैक्सिमम हाइट है ये है वो है सबसे पहली बात है y डायरेक्शन में चलने के लिए कौन रिस्पांसिबल है y एक्सिस क्वांटिटी यस सर यस सर uy कितना है u sin थीटा और ay कितना है माइनस तो सबसे पहली बात है हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट तो बताओ क्या हम ये पढ़ चुके हैं मैक्सिमम हाइट कब आएगा जब वो यहां से यहां पहुंचेगा एक्चुअल में वो यहां से यहां पहुंच रहा है यस सुनो क्योंकि उस टाइम में इधर भी चल रहा तो ये जो हाइट है ये जो हाइट है क्या हम ये लिख सकते हैं यस सर यस सुनो ये h कितना होगा ये h होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय हां uy हां uy स्क्वायर बाय 2g ऐसा लिख दे क्या यस सर और uy स्क्वायर बाय 2g दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर फार्मूला नहीं देखो सिर्फ फॉर्मेट देखो अरे हां या ना बोलो मैग्नीट्यूड यही होगा यस सर मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या होगा यस सर मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड h प्लस uy स्क्वायर बाय 2g बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है नो सर अच्छा ये बताओ अगर ये t इक्वल टू 0 है तो कितने समय पे ये हो रहा होगा वो टाइम क्या होगा क्या यहां से यहां जाने पे यहां पे सर uy by g होगा कितने समय पे ये हो रहा होगा u sin थीटा बाय जी बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को नो सर तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट ठीक और कितने समय में हो रहा क्या हमने ये भी निकाल लिया यस सर ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़े क्या यस सर नेक्स्ट हम बात करते हैं सर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ ना टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो सिर्फ y वाले मोशन को देखो क्या इधर uy था और इधर g था तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम में क्या ये यहां से यहां आएगा साथ साथ x में भी यस सर एक्चुअल मोशन पूरा ऐसा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है यस सर जब y वाला मोशन है y वाला मोशन है ध्यान से देखो y वाला क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हवा में कौन उड़ा रहा है इसको y वाला उड़ा रहा है यस सर यस सर तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन है y वाला कोऑर्डिनेट रिस्पांसिबल होगा y वाला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नहीं है समझ में आ रहा है क्या अब देखो y वाला कोऑर्डिनेट अगर रिस्पांसिबल होगा y वाला कोऑर्डिनेट अगर तो y के लिए चलना कितना ये दूरी कितना है h h माइनस h
तो y में हम लगा सकते हैं एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई कितना बताओ, अगर वर्टिकल को पॉजिटिव माने तो व्हाट इज एस वाई, माइनस एच। यू वाई कितना, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या यहाँ से सॉल्व करेंगे, टी का दो आंसर आएगा, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होगा वो हमारा आंसर होगा। यस सर। बट यहाँ पे गलती होने का चांसेस है या नहीं है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा तरीका, हाँ दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, क्या हमने टाइम निकालने के लिए एक तरीका सीखा था कि एच दूरी से जाके वेलोसिटी निकाल लो, क्या मैं यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लूं? यस सर। वाई कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, दूसरा सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पे जब ये तक ये सुनो, क्या मैं इसको नेगेटिव, सबको समझ में आ रहा है ये बात, बोलो सबसे पूछ लो, बाकी लोगों से पूछ लो। यस सर। यस ठीक है सर। वी वाई निकल गया, क्या मैं लगा दूं यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वही मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, एक्चुअल में वो टाइम ग्राउंड में यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या मैं लगा दूं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो यहाँ से देखो अंडर रूट uy square, uy square क्या था, तुम लिख लोगे uy square plus 2 एक ay का वैल्यू क्या था minus g into minus h, क्या ये आने वाला है, अरे हाँ है ना। yes sir। और uy इधर uy का minus gd, क्या यहाँ से time of flight निकल जाएगा बिना quadratic solve किए। yes sir। सब कुछ sine में रखना है, सब कुछ sine में रखना, vy का वैल्यू का under root uy square माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2gh, बताओ ये समझ में आ रहा है सबको। यस सर। यस सर। ओके, यहां से टाइम अलार्म से निकल जाएगा। दूसरा तरीका, दोनों तरीका बता दिया, फर्स्ट मेथड जो नॉर्मली होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि पहले आप वाई पे जाकर के वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लो तो वर्टिकल में ये निकल जाएगा। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट, अरे बोलो फॉर्मूला नहीं है, बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई डाउट है? वो नहीं समझ में आया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार पेज में ले ले रहा हूँ। देखो मैंने क्या समझाया, कहाँ पे नहीं समझ में आया बोलो, ये यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया बात? हाँ सर। ये आ गया, ये नेक्स्ट मेथड नहीं समझ में आया, यही बोल रहा हूँ ना। हाँ। देखो हाँ। ध्यान से, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहा हूँ, तो टाइम ऑफ एक्चुअली में पार्टिकल चला कैसा, एक्चुअल में पार्टिकल चला ऐसा, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में रिस्पॉन्सिबल है? यस सर। अरे हाँ है ना, हवा में उड़ाने के लिए तो यही क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है ना, हॉरिजॉन्टल चलाने के लिए यूएक्स रिस्पॉन्सिबल है, बोलो। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो बेसिकली ये जो वर्टिकल में ऐसा एक्चुअल चला इसको ना देख करके हम इसको देख लेते, yes, sir. समझ में आ रहा है सबको, इसको ना देख करके इसको देख लेते। तो सेकेंड मेथड में मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल को ना देखो, यही तो वी वाई है। यस सर। क्या हम ये लगा सकते हैं वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, बोलो। यस सर। तो वी वाई स्क्वायर को लिखेंगे कैसे, यू वाई तो यू जो भी है साइन थीटा प्लस टू, जी का वैल्यू क्या है माइनस नेगेटिव, ए वाई क्या है एक्सप्रेशन नेगेटिव, एस वाई क्या है माइनस एच, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है या नहीं है, देखो यहाँ से यहाँ चल रहा नीचे डायरेक्शन में, नीचे से फाइनल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो वी वाई का वैल्यू क्या आया अंडर रूट यू वाई स्क्वायर प्लस टू जी एच। अब ये वी वाई है क्या, दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस, क्या लेंगे हम, माइनस लेंगे नीचे डायरेक्शन में क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टी इक्वल टू, ये हमने किया ही नहीं किया, याद होगा हमने यही वन डायमेंशन में किया था, ऊपर फेंका था, यस और नो वही तो कर रहे हैं यहाँ। तो अगर मेरे को यहाँ से यहाँ का वेलोसिटी टाइम निकालना है तो मैंने ये t equal to zero बोल दिया, तो यहाँ से यहाँ आने में मान लो कैपिटल t टाइम लगा, तो क्या मैं लगा सकता हूँ v y is equal to u y plus a y into t, अरे हाँ यार बोलो ना, और ये t time of flight हो जाएगा, ठीक है, और v y का वैल्यू रख दो, u y का साइन के साथ रखो, सबको साइन के साथ रखो, आंसर निकल जाएगा t, बताओ।
जाएगा, हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, दूसरा क्या सवाल पूछा मैंने? टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अच्छा और क्या निकाल सकते थे? क्या स्पीड भी पूछा जा सकता था? स्पीड विथ विच पार्टिकल हिट, क्या पार्टिकल का यहाँ पे स्पीड होगा ux और uy vy? अरे हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। ठीक है, स्पीड विथ विच पार्टिकल हिट, क्या वो ये स्पीड होगा v? यस सर। और v होगा अंडर रूट vy स्क्वायर प्लस ux स्क्वायर। ux में वेलोसिटी चेंज करने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, अच्छा ये एंगल कितने एंगल पे हिट करेगा? ये एंगल भी पूछा जा सकता है, टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होगा? वी वाई बाई वी एक्स, वी आई बाई वी एक्स या यूएक्स? यूएक्स और वी एक्स ही होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? क्या आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और क्या रह गया? और क्या रह गया? टाइम रेंज की बात होगी। रेंज रेंज रेंज। हॉरिजॉन्टली कौन चला रहा भाई? X-axis. X-axis में क्या क्या है भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट को से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स में यूएक्स से चल रहा है, तो रेंज के लिए यहाँ से यहाँ चला है। एक्चुअल में कौन चला है? सिर्फ एक्स चला है इसको इधर। तो कितने समय तक चला है? टाइम ऑफ फ्लाइट तक चला है। ये t इक्वल टू जीरो है, ये t इक्वल टू t है। अरे हाँ या ना बोलो ना। तो ये जो रेंज आने yes, रेंज यहाँ पे आने वाला है, दैट इज ux इनटू, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, करने का तरीका यही है। इस तरह बिल्डिंग से जो फेंका जाए, इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी है। फॉर्मूला किसका था? ग्राउंड टू ग्राउंड। यहाँ पे वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो सकता, नहीं है, नहीं है। यस सर, कोई दिक्कत वाली? अच्छा कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर देखो मैं इसको ना यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ सर, ये तो सेम हो गया सर ग्राउंड टू ग्राउंड, ये वाला स्नैप देखो सर। मैंने बोला हाँ, बट नीचे वाला थोड़ी वा। हाँ सर ये सेम है, ये तो सेम है ना जो फॉर्मूला, बट नीचे वाला थोड़ी वा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक, क्या इतना बार आपको समझ में आ गया? और बात करने का जरूरत नहीं है, एक दो सवाल कर ले क्या फटाफट? यस सर। यस सर। चलो यस सर, दो सवाल मैं दे रहा हूँ सर, 10 बजने वाले हैं, 20 मिनट है अभी। ठीक है, दो सवाल अपन कर लेते हैं फटाफट। चलो दो सवाल फटाफट आप लोग कर दो। यस सर। एक पार्टिकल है जिसको 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, ये हाइट ले लेते हैं 20 मीटर, नहीं कितना ले ले, 200 मीटर ले ले। ठीक, कितने एंगल पे फेंका गया यहाँ से? 37 डिग्री पे फेंका गया। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है, ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल। एक पार्टिकल है जिसको ऐसे फेंका गया हॉरिजॉन्टली 40 मीटर पर सेकंड से, यस और नो? सेम हाइट है 200 मीटर। यस सर। ठीक, तो आपको बता दिया जहां से फेंका वहां ओरिजिन, हॉरिजॉन्टल एक्स लेना, वर्टिकल वाई लेना, फाइंड क्या क्या करना है सब कुछ, क्या क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट, फ्लाइट रेंज, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, और वो कब अटेंड होगा वो भी बताना है। दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलो फटाफट
आप लोग सिर्फ इक्वेशन लिख दो फटाफट, है ना। और जल्दी रिस्पॉन्ड करो, दो तीन पांच मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चन करके।
सर हेलो हाँ डन हो गया क्या हेलो हेलो यस सर हो गया क्या चलो चलो डिस्कस कर ले फटाफट यस सर चलो सबसे पहला सवाल ले रहे ध्यान से सुनना आपने कैलकुलेट किया होगा मैं सीधा सीधी फटाफट कैलकुलेट करता हूँ मेरे को बस थोड़ा थोड़ा हेल्प दे देना क्योंकि जितना आपको आता उतना ही मैं भी जानता हूँ ठीक है ना चलिए सवाल करते हैं तो सबसे पहले ये बताइए हाइट कितना लिया था अपन ने 200 मीटर ठीक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बताइए 40 cos 37 कितना आया ये 40 cos 37 कितना आया सर 32 मीटर पर सेकंड सही है ना ये वर्टिकल में वेलोसिटी बताइए यस सर 24 मीटर मैक्सिमम हाइट बताइए 24 मीटर पर सेकंड क्या ui स्क्वायर बाय 2g यहां क्या आएगा प्लस 200 प्लस 24 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू 10 समझ में आया सबको यस सर अरे बताइए ये समझ में आया क्या सर सर फार्मूला लिख देना यस सर मैं डायरेक्ट लिख दिया ना या ऐसे चला ना तो मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सा कंपोनेंट डिपेंड करेगा हाइट कौन उड़ा रहा हवा में कौन उड़ा रहा भाई वाला क्या मेरी बात समझ में आ रही बोलो इसमें कोई फार्मूला रटना नहीं है क्या हमने वन डायमेंशन मोशन पढ़ा है यहाँ मैक्सिमम हाइट होगा बोलो ये सबको समझ में आ रहा है इसमें और बात करना चाहिए बताओ नो सर नहीं ui स्क्वायर बाय 2g ठीक ठीक है सबको टाइम बताओ टाइम बताओ कब ये आएगा टाइम बताओ 24 बाय 10 2.4 पे आएगा ये यस सर ये यहाँ पे कब पहुंचेगा 2.10 पे 2.4 पे पहुंचेगा ui बाय g ठीक है ठीक है ठीक है दूसरा यस सर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम ये करते हैं कि पहले vy कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेते हैं vy होगा माइनस अंडर रूट ui बोलो 24 का स्क्वायर प्लस 2g का वैल्यू बोलो 10 h का वैल्यू बोलो 200 क्लियर है यस सर क्लियर ये तुम कैलकुलेट कर लेना यस सर ठीक vy निकल गया यहाँ पे vx बोलो 32 तो यहाँ पे स्पीड ऑफ हिटिंग भी पूछा जा सकता था तो वो भी बता सकते थे ये एंगल भी बता सकते थे टैन अल्फा यस सर कितना आएगा vy / 32 ठीक है ना ठीक है yes, अब बात है टाइम ऑफ फ्लाइट का तो ये कितना आ रहा है ये पूरा वैल्यू कितना आ रहा है vy का वैल्यू बताना तो कितना आ रहा है ये कितना हो जाएगा 2000 सर 21.6 एक रूट बताओ ना कितना आ रहा 4576 ये आ रहा है क्या यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नहीं है ठीक है ना सर vy जो है ये u स्क्वायर प्लस 2s वाला फार्मूला लगा है ना हां vy इज इक्वल टू देखो वर्टिकल में देखो हमने क्या लगाया uy वर्टिकल वाला लगाया सर ये ऐसे जाके ऐसे आया तो एक्चुअल में ये यहां से यहां पहुंचा है क्योंकि हॉरिजॉन्टली भी चला ना बोलो यही vy है जो यहां vy है यस सर बोलो समझ में आ रहा है क्या यस सर ठीक है तो बताओ अगर ये 4 root 4576 माइनस में तो क्या vy इज इक्वल टू ui प्लस ayt लगा दे माइनस gt ये यही टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले आओ तो t इज इक्वल टू आने वाला है √4576 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 10 सबको समझ में आ गया यस सर जल्दी जल्दी हो गया ना फटाफट वी ने वी वाई निकाल दिया yes, स्लाइड निकल गया कुछ टाइम लगा क्या इसको कैलकुलेट करने में मेरे no, ज्यादा टाइम थोड़ी लगा फटाफट हो गया अगर आप समझ रहे हो सवाल सॉल्व करना आपको फास्ट है तो ऐसे ही तो करना पड़ेगा इसमें कोई डाउट है नो सर रेंज बताओ क्या हॉरिजॉन्टली ये चला है यस सर
कौन चलाया ux ux और ux कांस्टेंट है तो ux स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा यस सर ux कितना था 32 और t का वैल्यू था रूट 4576 प्लस 24 बाय 10 अब जो आना ही आंसर आएगा दिस द बोलो सारा अंडर रूट में कैसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट में तो एप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो इसका 4500 है ना 67.64 आ रहा है हाँ तो एक मिनट मैं बता दो ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा इसका रूट 4500 यस और नो 4500 ले लेना अरे तो 10 रूट 46 के आसपास आ रहा है या 45 लिख लो अरे हाँ या ना बोलो ना यार यस सर या 45 ले लो तो 9 5 45 3 आ जाएगा बाहर तो 32 प्लस या आ जाएगा 30 रूट 5 प्लस 24 रूट 5 का वैल्यू पता है सर 2.25 हाँ 2.25 के आसपास होगा तो मल्टीप्लाई कर दो या 2.2 ले लो या 2 ले लो अप्रोक्सीमेटली अगर फास्टली आंसर निकालना और आंसर बहुत ज्यादा दूर दूर है तो आसपास आपको मिल जाएगा ना इसका वैल्यू 2 के आसपास होगा ना तो 60 प्लस 10 ऐसे निकाल लेंगे ना फटाफट बोलो यस सर समझ में है यस सर इसमें किसी को डाउट है बताओ पहले सवाल में किसी को डाउट है no, पहले sir. सवाल में किसी को डाउट है मैं सबसे पूछा जल्दी बताओ फटाफट नो सर इक्वेशन ऑफ पाथ इक्वेशन ऑफ पाथ ध्यान से देखो ध्यान से सुनना मेरी बात जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है सर आपने ऐसे फेंका ठीक यहां से फेंका यू स्पीड से यू का वैल्यू था 40 एंगल था 37 और ये था एक्स एक्सिस और ये था वाई एक्सिस इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए कौन सा इक्वेशन लगाएंगे क्या यही लगा देंगे यस सर ये हर ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए लगता है अरे हाँ या ना यस सर एक चीज ध्यान रखना अभी पहले इसके लिए लिख लेते हैं tan 37 कितना होगा इसको 1 plus tan 37 लिख दे यस सर tan 37 कितना होता है 3 by 4 3 by 4 तो y कितना आने वाला है y कितना आने वाला है x into 3 by 4 माइनस g का वैल्यू 10 हो गया डिवाइड बाय 5 हो गया into x square डिवाइडेड बाय U square कितना हो गया 4600 into 1 plus 9 by 60 ये आएगा अरे बोल लो इसको और कट कर लो तो ये आ जाएगा आपको 5 या 15 5 दो 320 और ये आएगा 16 और 9 अरे हाँ या ना बोलो ना यस यस सर हो जाएगा 3 by 4 into x minus x square divided by 320 into 16 और ये आएगा ऊपर में 17 25 कितना आएगा 16 और 25 से काट दो और हो जाएगा ये यस सर बोलो इसमें किसी को डाउट नो सर अब ध्यान से सुनना एक चीज और बता रहा हूँ सर क्या होता सुनना मेरी बात क्या होता सर अगर मैं सिर्फ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात कर रहा हूँ किसकी बात करो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की अगर मेरे पास ऐसा बिल्डिंग होता और ऐसा टाइम होता ऐसा प्रोजेक्शन होता क्या करते इसका भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछा जा सकता है नहीं पूछा जा सकता यस सर यस सर ऐसे भी तो फेंका जा सकता है -37 रख दे तो ठीक यस खत्म इक्वेशन यही यूज करेंगे ओके सर अरे हाँ यार बोलो यस सर यस सर यस सर क्लियर सबको यस सर यस सर यस सर कोई डाउट है बताओ दूसरा सवाल करें फटाफट सर सर 10 बज गए दूसरा सवाल करें बस तो बच गए बस 2 मिनट रुक जाओ ना हो जाएगा ये हाँ 10 बज गए मेरे को समझ में आ गया मैंने बोला ना 20-25 मिनट अपन डाउट डिस्कस करेंगे क्या ये सवाल हो गया ना इसमें कुछ बचा क्या और नहीं निकालने का आगे बढ़े यस सर नेक्स्ट सवाल बोलो यू वेलोसिटी बोलो
यू वेलोसिटी बोलो जल्दी कितना था अरे बोलो ना यार 40 ठीक है व्हाट हाइट बोलो 200 मीटर हाँ हॉरिजॉन्ट एक्स एक्सिस ये हो गया वाई एक्सिस ये हो गया यस सर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बोलो इनिशियल जीरो समझ में आ रहा क्या जो यही तो वेलोसिटी है इधर तो इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आने वाला नहीं है नहीं है अब मेरे को बताओ वाई में ये देखो जीरो वेलोसिटी से चल रहा है यस सुनो तो यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगे वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा यस सर तो यहाँ करने का तरीका कई हो सकता है यहाँ पे हाइट देख लो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर या तुमको अभी जो वेलोसिटी निकाल के सिखाया वैसे कर लो ये कितना होगा माइनस 200 यू वाई कितना है जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर क्या यही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जी का वैल्यू कितना 10 माइनस ने माइनस को मार दिया कितना है 40 टी स्क्वायर ये आ रहा क्या यस सर तो टी का वैल्यू कितना है रूट 40 अरे हाँ है ना क्या इसके yes, बाद पार्टिकल ऐसे घूमने वाला है तो मैक्सिमम हाइट यही रहेगा ऊपर जाने वाला नहीं है तो मैक्सिमम हाइट क्या रहेगा 200 और कब आएगा ये टी इक्वल टू जीरो पे yes, अरे हाँ है ना स्पीड विथ विच पार्टिकल हिट रेंज पूछेगा रेंज बताओ रेंज बताओ रेंज कौन चला रहा है हमेशा वेलोसिटी 40 है चेंज होने वाला 40 इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो समझ में आ गया ये यस सर क्लियर है यस सर रूट 40 है सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी रूट 40 है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी थीटा कितना रखेंगे जीरो रख दे अरे बोल लो थीटा कितना रखेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जीरो है तो y इक्वल टू x tan थीटा y इक्वल टू बात नहीं करो एक मिनट y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 u स्क्वायर इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यही है ना तो थीटा कितना रखा हमने 0 डिग्री रखा खत्म काम ये 0 हो जाएगा तो माइनस g बाय 2 u का वैल्यू बोलो 40 का स्क्वायर इनटू x स्क्वायर और ये तो 1 ही आएगा यस yes, और ये वैल्यू होगा 10 तो ये हो गया 5 तो y इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 कट जाएगा क्या माइनस x स्क्वायर बाय 320 आ रहा है क्या यस yes, सर इतना ही आ रहा है क्या इतना ही है थीटा 0 के लिए सर थीटा 0 के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलो हॉरिजॉन्टल से कितना है इस इक्वेशन में थीटा क्या था व्हाट इज थीटा इन द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी व्हाट इज थीटा इन द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यही था ना ये थ्योरी यस सर तो थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो थीटा क्या रखेंगे पॉजिटिव क्लॉकवाइज लेंगे तो थीटा क्या रखेंगे नेगेटिव और अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली पे लिए तो थीटा कितना हो गया 0 है ना बोलो समझ में आ गया क्या यस सर तो अब ये बातें समझ में आ गई अच्छा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछे तो यहाँ पे vy निकाल सकते हो यस सर अंदर 2gh होगा ये vy नीचे के डायरेक्शन में 2gh ये ही आएगा ना और vx कितना 40 तो नेट स्पीड निकल जाएगा एंगल उंगल निकल जाएगा बताओ ये खत्म हो गया यस सर यस सर ठीक है एक सवाल लास्ट में पूछ रहा हूँ आप लोगों से फटाफट एक सवाल लिखो ध्यान से सुनना ये इंपॉर्टेंट है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है और ये स्टैंडर्ड सवाल में करा रहा हूं अच्छा ग्राउंड टू ग्राउंड या कुछ भी हो सकता है मतलब कि ग्राउंड पे फेंक रहे हो सकता है बिल्डिंग से भी फेंक रहे हो सकता है ग्राउंड से भी फेंक रहे हो कुछ भी फेंक सकते हैं तो मैं सिंपल एक सवाल ले रहा हूँ कि एक पार्टिकल को मैंने यहां से फेंका और ये मैं ग्राउंड टू ग्राउंड ले रहा हूँ ठीक है यू स्पीड से थीटा एंगल पे ठीक आपसे क्या पूछा ध्यान से सुनना फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन मतलब इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब क्या हुआ इसका कोई बता सकता
मतलब इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन बताता है? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो वो समय बताइए जब फाइनल वेलोसिटी जो होगा, जो भी वेलोसिटी होगा उस समय पे, वो परपेंडिकुलर हो जाए इनिशियल वेलोसिटी के। ट्राई कर सकते हो क्या? ये होमवर्क है। यस सर। ये क्या है? होमवर्क। इसको ट्राई करना सब लोग, और इसका फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, तो वो फाइंड करके अगले क्लास में बताना, नहीं होगा मेरे से पूछ लेना। चलो अब डाउट पे आ जाए। यस सर। यस सर। यस सर। एक सेकंड, चलो अब डाउट डिस्कशन कर लेते। बताओ क्या क्या डाउट है। पीडीएफ मैं खोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबके पास मोबाइल है? यस सर। यस सर। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सबके पास मोबाइल है ना? तो मैं सबसे पहले खोल रहा हूँ डीपीपी प्रोजेक्टाइल। देखो प्रोजेक्टाइल 4-3 सबसे पहले वन खोल रहा हूँ, डीपीपी 14। डीपीपी 14 में 1 से लेके 10 डाउट बताओ। डीपीपी सेकंड और सिक्स्थ 1 से 10 डाउट बताओ। सेकंड एंड सिक्स, और कोई डाउट है? सर 7 सर 8 वाले में भी था मुझे 8 था। और बोलो और कोई डाउट? सर 5 में डाउट है। 10 और कोई डाउट? क्लियर है सबको? और कोई डाउट नहीं है? डिस्कस करें। सबसे पहले सवाल नंबर 2 देखो। सवाल नंबर 2 क्या लिखा हुआ सर? अ पॉइंट इज मूव इन अ रेक्टिलिनियर मोशन। एक पॉइंट है जो रेक्टिलिनियर मोशन में मूव कर रहा है। इट्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम टी। पूछा क्या? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सबसे पहली बात है एक्सेलेरेशन के लिए हमको क्या निकालना होगा? वेलोसिटी निकालना होगा। यस सर। यस और नो? क्या हमको एक्स ऐसा दिया हुआ तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में? यस सर। यस सर। यस और नो? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा? 2x dx by dt आएगा। यस सर। 2t plus 1 तो जो वेलोसिटी है 1 तो 0 हो जाएगा। 1 तो 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या आएगी हमको? वेलोसिटी आ गया t by x। क्लियर? यस सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। कोई बोलेगा सर मैं इसको रूट लेकर के डिवाइड डिफरेंशिएट कर दूं, कर दो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा बट आ जाएगा आंसर। सर मैंने ऐसे किया था, हुआ नहीं वैसे, पता नहीं क्यों। वैसे भी हो जाएगा ना, करके देखो ना, करके देखो, तुम गलत हो जाएगा, हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो अब देखो वेलोसिटी दोनों का फंक्शन है, टी का भी फंक्शन है और x का भी फंक्शन है। यस और नो? तो हमको कुछ करना पड़ेगा, या तो x को मैं लिख, देखो वही लिख दे रहा हूं, अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1, यही आएगा ना? देखो ना यहां से डिफरेंशिएट करो, यही आएगा। गलत है ये, बताओ सर। इसके बाद 2t से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, आगे 2 नहीं लगेगा। ये गलत है या सही है, पहले ये बताओ। सही है। dx / dt यहां से निकालो, क्या लिखते तुम? सबसे पहले रूट का होता 1/2 अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2t, ये करते, यही नहीं आता? अरे यही आ रहा है ना, देखो ना। यस सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? du / dt, पहला चेन रूल पता है, ऊपर वाला पहला डिफरेंशिएशन होगा 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू रूट, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इंटू 2t इंटू टी, क्लियर है? डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर टी स्क्वायर, समझ में आ गया? यस सर। इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये बनने वाला, देखो नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर में माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 3/2, क्लियर है? तो क्या ये 1/ रूट t स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3, यही बना? यस सर। किसका है ये? x क्यू आया? यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है? बी दिया हुआ ना, बोलो किसी को कोई डाउट है? अरे no, लास्ट में आंसर भी तो दिया हुआ है, आंसर देख के भी नहीं समझ में आ रहा क्या? सर वो सॉल्यूशन में थोड़ा टाइम हो गया था और गलत हो गया था ये।
ठीक है, समझ में आ गया सबको? बोलो यस सर। यस यस सर। आंसर ए दिया हुआ ना, ए आंसर। यस सर। चलो नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? सिक्स सेवन सिक्स में, सिक्स में देखो, सिक्स में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर सिक्स, a stone is dropped from a tower when it's fallen a 5 meter from the top, another stone is dropped from a point 25 meter below the tower. If both the stone reach together at the same moment, then the height of the tower is, मान लो एक टावर है, सपोज करो ये है h height का टावर, कितना height मान ले, h height मान ले, तो यही निकालना ना हमें, ठीक। एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, ठीक है, व्हेन अ स्टोन इज, यहां से t इक्वल टू 0 पे एक स्टोन को ड्रॉप किया गया। अब बोला जब ये स्टोन 5 मीटर ड्रॉप हो गया, कितना मीटर ड्रॉप हो गया? 5 मीटर, तो यहां पे कुछ वेलोसिटी आ चुका होगा। यस सर। यस सर। v कैसे निकालेंगे यहां पे? अंडर रूट 2gh u स्क्वायर, याद है ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ऐसा लगा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 into 10 into 5, कितना है ये 10 मीटर पर सेकंड आ जा रहा? 10 आ रहा। यस सर। ये t equal to 0 ले लिया मैंने। अब क्या बोला, इस समय पे जब ये 5 मीटर पहुंचा, तो 5 मीटर पहुंचा तो यहाँ पे वेलोसिटी है या नहीं है? थोड़ा इसको बड़ा बना ले रहे डायग्राम सर। है ठीक। उसी समय पे एक स्टोन ड्रॉप किया गया, कहां से? 25 मीटर पे। क्या यहां से ड्रॉप किया गया? यस सर। यस सर। ये है 25, और यहां से एक स्टोन है जिसको जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया गया, और दोनों दिया गया साथ साथ पहुंच रहा, मतलब ये स्टोन यहां से यहां तक आने में जितना टाइम ले रहा उतना ही टाइम ये स्टोन ले रहा, समझ में आएगा? यस सर। अब अगर सोचो एच हाइट था पूरा, तो ये कितना बचा, ये कितना हुआ इसके लिए एच माइनस 25, और ये अगर एच हाइट है तो ये कितना चलना है इसको, एच माइनस 5। अरे हाँ या नहीं? यस सर। तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों के लिए टाइम यहां से यहां लगना सेम है, यही बोला ना, दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहा है। तो अगर मैं इसको t इक्वल टू 0 ले लूं और दोनों t समय बाद पहुंच रहा है ये मान लूं, तो दोनों के लिए इक्वेशन पहले इसके लिए लिखता हूं, क्या लिखूंगा, माइनस h माइनस 25 ऐसा लिखूंगा, नीचे डिस्प्लेसमेंट है ना। यस सर। इक्वल u0 इसका, तो u0 हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो ये बनेगा एच माइनस 25 इज इक्वल टू 5। कौन सा फॉर्मूला है सर ये? अरे s equal to ut plus half at square, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? क्या फॉर्मूला अभी तक नहीं याद है क्या तुम लोगों को? सर याद है सर। हाँ बोलो, समझ में आएगा ये? तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा है h minus 25 है, नीचे इसने नेगेटिव लिखा, माइनस हाफ जेड u जीरो हो गया ना। अरे बोलो ना। यस सर। बोलो इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? दूसरा क्या सर? दूसरे क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना चला माइनस एच माइनस 25, सॉरी ये जो इनिशियल वेलोसिटी बोलो सर 10 हो जाएगी, माइनस 10 या प्लस 10? माइनस 10। माइनस 10। माइनस 10 माइनस 5 टी स्क्वायर, समझ में आया? यस सर। क्या 5 टी स्क्वायर का वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दे? यस सर। या इसको सॉल्व कर दे, आंसर आ जाएगा? आ जाएगा सर। आ जाएगा सर। आ गया समझ में? समझ में आ गया सवाल? इसको आगे ट्राई कर लोगे फटाफट सॉल्व हो जाएगा। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज्यादा परेशान नहीं। नेक्स्ट बोलो सर। 8 वाला था क्वेश्चन नंबर 8, 8 था ना, इसके बाद 6 था, 7 था, 7 था, 7 था, 7 देखो, 7 देखो, सब लोग 7 देखो क्वेश्चन नंबर, ठीक ध्यान से देखो। एंगल मेड बाय अ वेक्टर विद वाई एक्सिस, दिस एक वेक्टर दिया हुआ, यस और नो? आपसे पूछा है कि ये वेक्टर y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? y एक्सिस मतलब j कैप। यस सर। अच्छा कौन सा y, पॉजिटिव y या नेगेटिव y? नेगेटिव। नेगेटिव। हां एक मिनट, तो एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ, देखो √3 i कैप प्लस 2 √2 j कैप माइनस k कैप, यस और नो? और दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ माइनस j कैप, यस और नो? यस सर। वाई एक्सिस बोला तो मतलब कौन सा वेक्टर हो गया, माइनस जे कैप ही तो हो गया। यस। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, याद है फॉर्मूला में, cos थीटा बाय a डॉट b बाय मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ b, ये तो था। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जे जे क्या बनेगा, माइनस √2
ये बनेगा ना जे का जे का था, बाकी सब तो जीरो डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए कितना हो गया, 2 का 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 5 प्लस 1 रूट 6 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, कितना आएगा ये माइनस 1 बाय रूट 3। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा। हाँ सो बोलो, कोई गलत है सर, आपने ना वो माइनस 2 के होगा, वो क्या गलत लिया मैंने, सो माइनस 2 के है ए वेक्टर, इसलिए सर 9 आएगा उसका बी के। एक मिनट, ए वेक्टर क्या है सर? लास्ट वाला के में माइनस 2 है। अच्छा यहाँ माइनस 2 है। यस सर, यस सर, यहाँ गलती कर दिया मैंने, रूट 6 नहीं होगा सर, 3 हो जाएगा, वो पूरा पूरी 3 आ रहा है क्या? यस सर, यस सर, हो जाएगा। बोलो, ये ऊपर गलत ले लिया मैंने, समझ में आई है क्या? हो जाएगा, बोलो और बात करने की जरूरत है क्या? यस सर, ठीक है नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है क्या? 5 में डाउट है क्या? बोलो क्वेश्चन नंबर 5। हां 5 में डाउट है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, अ क्लॉक हैज अ मिनट हैंड, मिनट हैंड दिया हुआ है, मिनट हैंड के बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले बात है इसका लेंथ दिया हुआ क्या? ठीक है, यस सर। ये बताओ कि जो मिनट हैंड होता है एक एक घंटे में कितना दूरी घूमे, क्या ये पूरा पूरी आ जाता घूम करके एक घंटे में? घड़ी देखा है क्या? डिजिटल तो अब नहीं देखते हो, कंफ्यूज हो जाओगे। है ना, एक घंटे में जो मिनट हैंड होता है, एक घंटा मतलब कितना मिनट हुआ? 60 मिनट। ठीक है, वापस यहाँ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 6 AM टू 6:30 AM, यानी 6 से 6:30 में, यानी टाइम कितना लिया मेरे से? 30 मिनट, यानी हाफ एन आवर। कितना मिनट? हाफ एन आवर, चलो मिनट में दिया। अब ये पता है कि आधे घंटे में ये यहाँ से मिनट हैंड कहाँ से आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यस सर, मिनट हैंड तो यहाँ आएगा ना। यस सर, ये कितना दूरी चला है? पाई आर चला है, लेंथ जितनी है पाई आर चला है, नहीं चला है? पेरिमीटर के बराबर दूरी चला है, डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना वो लोग। हां एक मिनट, पाई आर चला है नहीं चला दूरी? यस बट हमसे क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी पूछा है, क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का दूरी, और ये कितना होगा? 2 * r, r का वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 30 मिनट। अरे हां है ना, यस सर, क्या ये 4/3 सेंटीमीटर पर मिनट? यस सर, यस और नो, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? अरे हां है ना, बोलो ना। यस सर, यस सर, समझ में आया? आगे बढ़ जा। नेक्स्ट सवाल बोलो। अरे नेक्स्ट बोलो भाई। एट है, क्वेश्चन नंबर 8। तुम लोग लगता है ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए सही से, बाकी सब डीपीपी ढंग से किया है नहीं किया? चलो ठीक है, नहीं किया होगा तो अगले क्लास में भी कर लेंगे, ठीक है ना, परेशान नहीं होना, लेकिन क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट करो ताकि आप कॉन्सेप्ट को सही से फोकस कर पाना, क्योंकि मैंने आज ही दिया इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा टाइम नहीं मिला हो। चलो सवाल देख लेते, क्वेश्चन नंबर 1। अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h अबव द ग्राउंड लेवल अंडर अ ग्रेविटी। हाँ ठीक है ना, देखो ना एक मिनट लॉजिक से देखो, यहाँ से ड्रॉप किया गया, कैसे ड्रॉप किया गया? जीरो वेलोसिटी से। अब बोला ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंट पार्टिकल एक्सेलरेशन, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीवी माइनस केवी दिया हुआ क्या? यानी पार्टिकल, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब मान लो जब पार्टिकल को छोड़ा गया तो किसी समय पे इसका स्पीड हो गया वी, कितना हो गया वी, तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना दिया हुआ? जी माइनस केवी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहा था, एक नीचे लग रहा था mg और एक कुछ ऊपर लग रहा होगा, है ना, समथिंग c इनटू v फॉर्म में, तो जो एक्सेलरेशन होगा mg माइनस cv डिवाइड बाय m, यही तो होगा? यस सर, जो इस फॉर्मेट में दिया हुआ। बोलो अब जैसे, अच्छा नेट एक्सेलरेशन अगर नीचे तो स्पीड बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। एक्सेलरेशन अगर नीचे है तो स्पीड बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा स्पीड, ठीक है, स्पीड बढ़ेगा, ध्यान से सुनना।
ठीक, अब आपसे पूछा क्या, which of the following graph represent t naught is the time when the t naught time when particle touches the ground. T naught वो time है जब particle ground को touch कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनो। पहली बात है, पूरे motion में speed बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। अब ध्यान से देखो, diagram देखो, speed बोला है ना, velocity नहीं बोला, direction इसलिए नहीं लिया। तो पहली बात, speed बढ़ेगा, तो पूरे motion में देखो, option A, क्या speed बढ़ रहा है? ऑप्शन ए देखो, स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रही है सर। बढ़ रहा है, बट कैसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये कैसे पता चलेगा सर? यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं है। पहली बात है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। यस सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। यस और नो बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? यस सर। अच्छा, डिस्टेंस का भी ग्राफ पूछा, तीन चार एच है ना, एच मतलब डिस्प्ले, एक्सटी ग्राफ है ना, एच का मतलब क्या हुआ, हाई वर्सेस टाइम का ग्राफ। अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। ठीक है, पहले तो हम पता करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। सबसे पहले एसटी ग्राफ देखो, एसटी ग्राफ, एक्सेलेरेशन वेरिएबल, पॉजिटिव नेगेटिव। अब किस डायरेक्शन को सर आप पॉजिटिव मान रहे हो? यस और नो? अगर नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तभी तो ये एच को पॉजिटिव, एच को पॉजिटिव लिया है नेगेटिव लिया? देखो क्या लिया डायग्राम में, पॉजिटिव, पॉजिटिव लिया, इसका मतलब वो नीचे को पॉजिटिव माना। अरे हाँ या ना? और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है नीचे डायरेक्शन में? पॉजिटिव, तो इसका मतलब एक्सटी ग्राफ, एक्सेलरेशन में अगर पॉजिटिव आ रहा तो इसका मतलब कैसा होना वाला, कंपाउंड अब ओपनिंग अपवर्ड। अरे ओपनिंग अपवर्ड है या नहीं? यस सर, कराया था मैंने। जब एक्सटी ग्राफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो क्या होता है एक्सटी ग्राफ? अरे बोलो, ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड। अब ग्राफ को देखो, पहली बात है कर्व होगा, और चूंकि पैराबोला नहीं है बेटा, ये कर्व वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये कोई दूसरा कर्व है, बट क्या ये ओपनिंग अपवर्ड होगा? No. Yes, sir. क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया ना मेरे भाई। Yes, sir. तो एक्सटी ग्राफ क्या होने वाला, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड? ओपनिंग अपवर्ड। तो कौन सा है ओपनिंग अपवर्ड? नो सर। यस सर, ओपनिंग अपवर्ड नहीं है सर। है भाई साहब, इसको बोल ओपनिंग अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ खुला हुआ, ओपनिंग डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ खुला हुआ। अरे हाँ या ना बोलो ना यार। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो पहला सी वाला ऑप्शन सही है गलत है? सही है। सही है, सही है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम आ जाओ। एक्सेलरेशन बताओ कौन पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, बट वैल्यू घट रहा है, सी बी और डी में दोनों में वैल्यू घट रहा है। अच्छा, एक एक्सेलरेशन टाइम है और एक्सेलरेशन स्पीड है। अब पहली बात, एक्सेलरेशन कैसा आएगा सर, ये बता पाना थोड़ा सा आसान नहीं है। ये सुनो, तो स्पीड टाइम देखो, सबसे पहले स्पीड टाइम बोलो, एक मिनट रुकना। हाँ, स्पीड टाइम देखो कैसा बनेगा कर्व, स्पीड बढ़ रहा है, ये सुनो, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, कैसा होगा स्पीड टाइम ग्राफ, क्या स्पीड बढ़ रहा है? यस सर। यस सर, स्पीड इंक्रीज। कितना सर तुमको दिए क्या, क्या चीज का दिए? हां दिए, 26 ठीक है। हां ध्यान से सुनो, हां स्पीड बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है ना। अब देखो यहां पे भी स्पीड बढ़ रहा है, बट स्पीड का जो चेंज है, स्पीड का जो चेंज है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव। देखो डायग्राम में देखो, ऐसा स्पीड है ना, तो ये देखो यहाँ पे स्पीड ऐसा, यही स्लोप हुआ ना, चेंज ऑफ स्पीड, ये घट रहा बढ़ रहा है सर, क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो रहा है ना। एक्सेलरेशन कम हो रहा है, यस और नो? एक्सेलरेशन कम, स्लोप भी डिक्रीज कर रहा है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? बट स्पीड बढ़ रहा बट एक्सेलरेशन घट रहा, सही रिप्रेजेंट कर रहा ना ये? यस सर। तो ऑप्शन ए भी सही है, समझ में आया कैसे देखना है? स्लोप से आप चेक कर लो, और ये तो मैंने बताया था x h है, तो h तो x ही है ना। अब सवाल है सर, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताइए,
एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देखो क्या जैसे, हाँ देखो ध्यान से, टी इक्वल टू जीरो पे क्या एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा था, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे वी जीरो था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है एक्सेलरेशन नीचे है बट मैग्नीट्यूड घट रहा है, yes, sir. Yes, no. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अच्छा डीए बाई डी टी देखो, डीए बाई डी टी देखो, डीए बाई डी टी जी का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस के डीवी बाई डी टी, यही आएगा. अरे हाँ है ना, बोलो ना. अच्छा एक काम करो, चलो ये क्यों निकालेंगे सर, तुमको ठप पड़ सकता है. हाँ ध्यान से देखो क्या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घटते घटते एक समय ऐसा आएगा जब एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. है ना, क्योंकि भी एक समय ऐसा आ जाएगा जब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्या एक्सेलरेशन घट रहा है, हाँ घट रहा है. क्या मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, पॉजिटिव है. अब सवाल है इसका स्लोप जो बनाया, देखो ये सही है गलत है ये कैसे पता करेंगे. क्या अगर देखो ये जैसे देखो डी यहाँ पे देखना, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव था तो एक्स टी ग्राफ ये आया था. इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप देखो, इस ग्राफ को अगर देखोगे एटी ग्राफ को, ठीक ध्यान से सुनना. क्या ये टी इक्वल टू जीरो पे ऐसा और ऐसा जाते जाते कांस्टेंट हो गया, हो गया या नहीं हो गया देखो. यस सर. और एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, जीरो है क्या ये? हाँ सर. क्या ये जीरो है? नहीं ये जीरो नहीं है, थोड़ा सा हाँ जीरो नहीं है यहाँ पे. यस सुनो, बट हम ये कैसे पता लगाएं कि ये ग्राफ सही है नहीं है, हम ये कैसे पता लगाएं कि ये ग्राफ सही है या नहीं है, बताइए सर आप बताओ. अरे बताओ ना, कैसे बताएंगे. अच्छा इसको छोड़ देते, एक और ऑप्शन देख लेते, लास्ट वाला एक्सेलरेशन वर्सेस स्पीड, पहले उसको देख लेते फिर इस पे बात कर लेते. इतना तो समझ में आ गया कि हाँ सर एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड घट रहा. अब ये ग्राफ सही है नहीं वो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा हमें. okay. अच्छा लास्ट वाला देख लेते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस स्पीड, एक्सेलरेशन वर्सेस स्पीड कैसे बनेगा. क्या ये लीनियर ग्राफ है, क्या ये लीनियर ग्राफ है, ये वाई हो गया माइनस जी के एक्स हो गया, लीनियर है सही है. तो ए सी डी तो कंफर्म हो गया सर, हमें ये चेक करना है कि बी सही है नहीं है. यस सर, अगर ध्यान से एक्सेलरेशन इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं जो इसने ड्रॉ किया, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम. सर अगर जीरो नहीं हुआ है, आप कह रहे हो जीरो होना चाहिए तो गलत होगा, मतलब ये जीरो होना चाहिए ना यहाँ टी नॉट पे. टी नॉट क्या टाइम था, टी नॉट व्हेन द पार्टिकल टचेस द ग्राउंड. ऐसा कोई जरूरी है कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, हो सकता है पार्टिकल नीचे आ रहा है. ये दिया है क्या कुछ ऐसा, दिस डायरेक्शन वेलोसिटी, के इज पॉजिटिव, के इज स्पीड, ठीक है, then the following graph will be represent. ये तो हमें समझ में आया ना, acceleration that is g minus kv, ये है ना, हमें at graph देखना है, ठीक. t equal to zero पे देखो, यहाँ पे verify हो रहा है g है, और t equal to t naught पे कुछ velocity होगा तो acceleration होगा, ठीक है. अब जब तक particle चल रहा है तो speed बढ़ रहा है, क्योंकि acceleration इधर ही है, और एक समय धीरे धीरे speed बढ़ता रहेगा, बट किसी ना किसी समय पे हो सकता है उससे पहले टकरा जाए, हाइट उतना ना हो. यस और नो, जीरो होने से पहले ही टकरा जाए, आया ना, बोलो ना. यस सर. तो ये ग्राफ तो टी नॉट यहाँ पे हो सकता है ऐसा, बट ऐसा करोगा तो इसका स्लोप चेक करो, इसका स्लोप नेगेटिव है और एंगल बढ़ रहा है, तो टैन थीटा नेगेटिव में बढ़ रहा है. अरे ये एंगल देखो ना स्लोप, अरे हाँ या ना बोलो ना, यहाँ पे देखो ऐसा कर देखो. ये स्लोप हो गया पहला. सर ग्राफ समझ नहीं आ रहा. सर स्लोप तो कम हो रहा है ना इसमें. एंगल बोलो, स्लोप नहीं बोल रहा, एंगल बताओ, एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है, तो tan थीटा नेगेटिव में बढ़ रहा है. एंगल बना रहा है सर, आपने ऐसे टेंजेंट बनता है ना एंगल, तो आपने तो काट दिया उसे. टेंजेंट बना लो ना, ये देखो देखो देखो, ठीक है, ये बना. यस सर. ये बन रहा है. यस सुनो बोलो. यस सर. यस सर समझ आ गया सर, ठीक है. तो tan थीटा ये एक्स एक्सिस है ना. अब देखो tan थीटा नेगेटिव में बढ़ रहा है, थीटा नेगेटिव में, सॉरी थीटा नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो नेगेटिव में बढ़ रहा है तो tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रहा है.
यस और नो? यस बढ़ रहा ना थीटा, बढ़ रहा तो नेगेटिव में बढ़ रहा है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो tan थीटा नेगेटिव में बढ़ रहा मतलब एक्चुअली tan थीटा मैग्नीट्यूड वाइज घट रहा है, समझ में? यस सर। तो क्या ये ग्राफ सही है गलत है? अगर v बढ़ रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a हमेशा पॉजिटिव, a तो हमेशा पॉजिटिव। यस सर। यस और नो? तो da by dt क्या हो रहा है? स्लोप देखो इसका माइनस के dv by dt। अब इसको डिफरेंशिएट कर देना, da by dt आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा ना at ग्राफ का। अरे हाँ या ना? यस सर। माइनस के और ये पॉजिटिव है, यानी कि ये ओवरऑल, अच्छा a का मैग्नीट्यूड घट रहा बढ़ रहा है, देखो a का मैग्नीट्यूड घट रहा बढ़ रहा है, नीचे आते आते a का मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो क्या ये नेगेटिव में बढ़ रहा है? सॉरी नेगेटिव में घट रहा है, सॉरी नेगेटिव में घट रहा है, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड घट रहा है तो माइनस के इंटू ए है, तो क्या ये नेगेटिव में घट रहा है? अरे हाँ या ना बोलो ना। नहीं सर, वो इंटीग्रेट करके पता चल जाएगा। हाँ, ये डिफरेंशिएट करके पता चल जाएगा। तो देखो a का मैग्नीट्यूड समय के साथ घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है सर, कम ही हो रहा होगा। हाँ कम हो रहा है ना, तो da by dt इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? कम होगा, डिक्रीज हो रहा है। अरे यार बोलो, समझ में आ रहा है क्या? या बढ़ रहा है बताओ? माइनस के इंटू ए, तो जैसे मान लो इसका वैल्यू ऐसे ले लो, तुम ऐसे ले लो, सोचो तो थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, तुम जा सकते और ये ऐसा ग्राफ। सर फिर इस ग्राफ में इंक्रीज हो रहा है मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड, इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू स्टेटमेंट से आ रहा है ये अलग आ रहा है और स्लोप से अलग आ रहा है। यस सर, दोनों नेगेटिव से जीरो जा रहा है जबकि कम होना चाहिए था। हाँ हाँ, ये इससे तुम कमेंट कर लोगे। तो ऑप्शन शायद ये नहीं दिया हुआ होगा, देखे एक बार क्या क्या दिया आंसर, ए बी डी। लेकिन इसको और आसानी से भी समझाया जा, अच्छा इसने पूरा कैलकुलेशन ही कर दिया, क्या इसको कैलकुलेट ही कर दे? ये भी कर सकते थे, देखो इसको लिख दे dv by dt माइनस g kv, ये ठीक है, पूरा वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं, ऐसे भी तो कर सकते थे, बट ये लंबा होता या नहीं होता? यस सर, ये पूरा लंबा होता। ठीक है, ऐसे भी कर लो या लॉजिकली कर लो, आंसर वही आने वाला। ये क्या हो जाएगा, ln आएगा ना, ln g माइनस kv, अपर लिमिट लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट वी, इंटीग्रेशन टी। बोलो समझ में आया क्या? तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक तो लॉजिक से भी कर देंगे यहाँ से स्लोप चेक करके, अरे हाँ या ना बोलो ना। और जो इसका स्लोप आ रहा ग्राफ से और इसका जो स्टेटमेंट स्लोप आ रहा फॉर्मूला से, दोनों अलग अलग आ रहा स्लोप का कैलकुलेशन। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। एक बार और इस पे सोचना, एक बार और सोचना, नहीं समझ में आएगा अगले क्लास में मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? अच्छा डीपीपी 2, 3, 4 जो नेक्स्ट बचा हुआ ये अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है? यस सर। थोड़ा टाइम देना सवाल में, ये सवाल अच्छा था, एक बार फिर से ट्राई करना, क्योंकि इस तरह का सवाल म्यूट कर लो। हाँ क्या फूक मारते हो क्या? सर ये लकी है। हाँ फूक मारता है वो, ठीक है, तो उसको परमानेंट म्यूट में रखना पड़ेगा, ठीक है? चलो तो इसको ट्राई कर लो एक बार और इस सवाल को जरूर फिर से ट्राई कर लेना, ठीक है? अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा अपन अगले क्लास में ले लेंगे, क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा सवाल है ये, और इस तरह का सवाल अच्छा सवाल में से आता है, आपसे पूछा जा सकता है। और थोड़ा सर, जेई का है ना सर? जेई का या नीट का ये मत सोचो, सवाल सॉल्व करो, ठीक है? चलो ओके, अगले क्लास में हम लोग प्रोजेक्शन इंक्लाइन खत्म करेंगे, और नेक्स्ट डीपीपी जो होगा वो दो ट्राई करना करने का, अपन अगले क्लास में दो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद जो कंसेक्यूटिव बचा है कंसेक्यूटिव ऑर्डर में, ठीक है, या हो सकता है तीनों कर लेना, अपन तीनों ट्राई कर लेंगे, ठीक है? चलो ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। ये सवाल फिर, हाँ ये सवाल फिर से सभी लोग अटेम्प्ट करना याद से, ठीक है? ओके थैंक यू, बाय 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 बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।